हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अनमोल, सभी का स्वागत है एक नए से और प्रीमियम से मजेदार से वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं रियल फील्ड विजिट पे। मींस क्या, मैंने आपको आज प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं। आज हमारे साथ एक किसान है जिनसे मैं बातचीत करूंगा और वो अभी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को ना आप लास्ट तक देखना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो ये सब काम फटाक से कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है। तो अभी ना मैं सीधा आ गया हूँ फील्ड पे और अभी चलते हैं किसान भाई के साथ और उनसे पूछते हैं अभी वो क्या कर रहे हैं यहाँ इस फील्ड में। तो चलिए मैं उनके पास आपको लेके चलता हूँ। राम राम अंकल जी। राम राम। आपका क्या नाम है? शांति प्रसाद। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया? हम कर रहे हैं करेले की पौध की तैयारी। तो भाई साहब, अभी यहाँ पे कर रहे हैं क्या, करेले की सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। मीन्स अभी ना नर्सरी लेवल पे है जहाँ पे ये सीडलिंग को रेज करेंगे और फिर इसको ग्रो करेंगे। तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बीज डाला जाएगा, नर्सरी तैयार करी जाएगी। तो अभी यहाँ पे ना बीज डाला जाएगा और फिर नर्सरी तैयार किया जाएगा। अच्छा, तो इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हो आप, इसका, इसी वाले का? ये पौधा यहाँ से तैयार करके खेत में लगाया जाएगा। तो ये आप जो लगाओगे अपने ही खेत में लगाओगे फिर इसको बेचोगे भी? अपने ही खेत में लगाओगे। अच्छा, आप इतने सारे कर रहे हो तो ये कितने एरिया के लिए, मतलब कितने लैंड हेक्टेयर में जाएगा ये सारा आपका? ये 20 बीघे में लगना है। तो मतलब अभी जो पूरा सीड यहाँ पे जो सीडलिंग रेज हो रहा है ये टोटल ना 20 बीघे के लिए हो रहा है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ आप, ये लगभग कितने कप्स अभी आप यहाँ पे रेडी करोगे? ये कब तक, मतलब अभी आप कितने 20 बीघे के लिए कितने कप्स रेडी करोगे? ये तो इनकी गिनती नहीं है, कार्टन के हिसाब से आते हैं ये। फिर भी लगभग एक आप बताओ कितने, 1000-2000 कितने? 20 बीघे के लिए 10,000 से ऊपर ही लगेंगे। तो मतलब अपने 20 बीघे खेत के लिए कम से कम ऐसे वाले कप ना 20,000 कप्स रेडी करने वाले हैं। समझ जाओ कितना लार्ज प्रोडक्शन होने वाला है यहाँ पे करेला का इस फील्ड में। अच्छा, मेरे को बताओ अभी इसका जो अभी रोपने का टाइम आने वाला है ग्रो करने का, ये कब आप इसको कब ग्रो करोगे, कब रोपोगे इसको? इसको 25 जनवरी, मतलब 25 जनवरी से इसका ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट हो जाने वाला है। अच्छा, फिर ये आपको फल कब तक देना स्टार्ट कर देगा, सब्जी कब तक आ जाएगी इसमें? 2.5 महीने बाद। मतलब 2.5 महीने, मींस बोले तो क्या 2.5 मंथ्स में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोग इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ अभी मार्केट रेट क्या चलता होगा इसका उस टाइम पे? उस टाइम पे बाजार का कोई पता नहीं होता है, 10 रुपये से 20 रुपये तक। मतलब 10 से 20 रुपये के जी। अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे ये बता रहे हैं क्या इसका रेट जाने वाला है 10 से 20 रुपये के जी। अच्छा, आपका इसमें जो इन्वेस्टमेंट है अभी जो आप लागत लगाओगे लगभग कितना लग जाएगा? लागत लग जाएगा 2 लाख के आसपास। मतलब समझ रहे हो, 20 बीघे की खेती के लिए इनका जो अभी इनपुट लगने वाला है वो लगने वाला है 2 लाख के करीबन। अच्छा, आप आउटपुट कितने कमा लोगे इससे? इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर भी अगर मान लो 5 लाख, मतलब 2 लाख लगाओ और 4 लाख, मीन्स उसका दोगुना ये अभी आप इससे प्रॉफिट लेने वाले हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कितना मेहनत कितना होने वाला है इसके पीछे। अच्छा, ये आप जो इसमें सीड लगाओगे तो सीड आपका खुद से आपने बनाया था या फिर खरीद के लाए? खरीद के लाए। तो वो आपको कैसे केजी मिला? वो 9,500 रुपये के जी। अच्छा, आप जो सीड लाए उसका पैकेट वगैरह मैं देख सकता हूँ क्या? नहीं, इस समय नहीं है। अच्छा, तो इस वाले कप में अभी सीधा मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी के साथ साथ क्या डाल रहे हो? सल्फर और NPK। सल्फर और 12-32-16 NPK और सल्फर और फोरोडान। तो समझ गया आपने, मतलब इतने सारे केमिकल कंपोजिशन है जो जाने वाले हैं इसमें। अच्छा, सीड ट्रीटमेंट आप ट्रीटेड सीड लेते हो या फिर सीड का ट्रीटमेंट खुद से करते हो? खुद ही करते हैं। मतलब ये सीड ट्रीटमेंट भी ये लोग खुद से ही करते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, तो ये आपको जब अभी आप कर रहे हो तो इस वाले में भी कोई रोग या बीमारी आती है अभी के नर्सरी वाले लेवल पे? नहीं आती है, बीमारी आती है उसके लिए दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। सड़न और गलन जो आती है उसके लिए लगाते हैं M-Star दवाई। मैं सच्ची बताऊँ ना तो अगर आप BSc एग्रीकल्चर के छात्र हो आपको इतना पता नहीं होगा, आपको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा जितना इनके पास है, क्योंकि ये लोग ना प्रैक्टिस करते रहते हैं, कल्टीवेशन करते रहते हैं। तो सच्ची बता रहा हूँ, आप ना प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे भागो, थ्योरी वाला क्या है वो तो आप रट ही लोगे, याद कर ही लोगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं ना वो लगभग एग्रीकल्चर के छात्र हैं जो इस बार एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं, तो उनके लिए आप अपने तरफ से इससे रिलेटेड कुछ विशेष जानकारी देना चाहोगे? जानकारी यही है, इसे नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। पहले ये मिट्टी को बनाया जाता है और उसके बाद गिलास भरे जाते हैं ये,
पैकेट, और फिर बीज डाला जाएगा इसमें, फिर छींटा लगाया जाएगा पानी का, फिर ये ढकी जाएगी जब ये तैयार होगी। अच्छा मैं एक चीज़ खेत में लगाएंगे, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये वाला मतलब पुराना आपका ये जो प्लास्टिक का ग्लास है ये पुराना है, मतलब ये आपने लास्ट साल भी यही यूज़ किया था? हाँ जी। तो ये अच्छा एक कप कितने सालों तक चल जाता है? ये इस साल और चल दो साल मान लो। अच्छा इसमें आपने ये मैं देख रहा हूँ इसमें एक होल है, ये होल क्यों करके रखा आपने? ये पानी डालते हैं, जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है तो नीचे निकल जाता है। अच्छा मतलब मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए इसमें एक होल भी है। बहुत ही शानदार जानकारी मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों अभी आपने देखा, अभी हमारे जो किसान भाई थे वो आपको जानकारी दे रहे थे क्या वो करेले की खेती में अभी सीडलिंग स्टेज पे मीन्स सीड को कैसे ग्रो करते हैं, कैसे सीडलिंग को ग्रो करते हैं, फिर ट्रांसप्लांटिंग होता है। तो ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी प्रकार का लगातार वीडियो लाता रहूंगा। के पास भी कोई खेती रिलेटेड समस्या है या सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो ना तो आपके कॉलेज में बस आपको थ्योरी नॉलेज ज्यादा मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज से हम लोग अच्छे से रूबरू नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपका भाई अनमोल आप सभी को ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करने वाला हूं, और कैसे बेसिक लेवल पे फार्मिंग होती है ये आपको बताने वाला हूं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।